जब भीड़ का मौका उठाकर फैंस ने इन बॉलीवुड हसीनाओं को छुआ गलत जगह। देखें तस्वीरें, बॉलीवुड फिल्म अक्सर दो रिलीज हो चुकी है। हाल ही में इस फिल्म की एक प्रेस एक इवेंट में पहुंची थी जहां उनके साथ फैंस ने छेड़खानी करने की कोशिश की। दरअसल अक्सर दोके के प्रमोशन के लिए दिल्ली जरीन खान आई थी, जहां भीड़ ने उन्हें घेर लिया और छेड़खानी करने की कोशिश की गई। आज हम आपको कुछ ऐसे ही एक्ट्रेसेस के बारे में बताएंगे जो भीड़ में छेड़छाड़ की शिकार हो चुकी हैं। दीपिका पादुकोण की फिल्म पद्मावती इस वक्त विवादों में फंसी है। दीपिका पादुकोण उस वक्त भीड़ का शिकार बन गई थी जब वो दिवाली स्पेशल मैगजीन के लॉन्च के दौरान बेकाबू भीड़ से घिर गई थी। दीपिका पादुकोण को यहां एक शख्स ने गलत तरीके से छूने की कोशिश की थी। एक्ट्रेस सुष्मिता सेन काफी समय से फिल्मों से दूर हैं। सुष्मिता सेन के साथ पुणे में ज्वेलरी स्टोर के इनॉग्रेशन के दौरान भीड़ की छेड़छाड़ का सामना करना पड़ा था। सुष्मिता सेन के साथ उस वक्त जो भीड़ में मौजूद लोगों ने किया था वो काफी शर्मनाक था। सोनम कपूर की फिल्म रांझणा काफी बड़ी हिट फिल्म थी। इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान सोनम कपूर को एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने गलत तरीके से छूने की कोशिश की थी, जहां धनुष ने बीच में आकर उन्हें बचा लिया था। अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की फिल्म 30 मार्च खां 2010 में आई थी। इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान कैटरीना के साथ छेड़छाड़ हुई थी। इसके अलावा कैटरीना साम 2005 में कोलकाता में दुर्गा पूजा के दौरान भी छेड़छाड़ का शिकार हो चुकी हैं। दंबक गर्ल सोनाक्षी सिन्हा जब वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई दोबारा के वक्त अजमेर गई थी, जहां कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और जबरदस्ती छूने की कोशिश करने लगे थे। कल्कि कोचलिन उस वक्त भीड़ का शिकार बन गई थी जब वो किसी वेन्यू से बाहर निकल रही थी। गुलपना के साथ तो दिल्ली मैराथन के दौरान ही छेड़छाड़ हो गई थी। गुलपना के साथ दौड़ते वक्त कुछ लोग उनके नजदीक आकर उनसे छेड़छाड़ करने लगे थे। ईशा देओल के साथ ऐसा हादसा साल 2005 में हुआ था, जहां उन्होंने एक शख्स को थप्पड़ भी मार दिया था। हालांकि गौहर खान के साथ छेड़छाड़ तो नहीं हुई थी, लेकिन एक रियलिटी शो के दौरान एक दर्शक ने उठकर उन्हें थप्पड़ मार दिया था। उसका कहना था कि वे एक मुस्लिम लड़की है और उसे ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इस लिस्ट में अगला नाम बिपाशा बसु का है, जिन्हें राज्य के प्रमोशन के दौरान अहमदाबाद में छेड़छाड़ का सामना करना पड़ा था।